फजर से थोड़ी देर पहले खादम सैयद रिजवी साहब मेरी ख्वाब में आए और उन्होंने हाथ से उठाया, उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, नमाज का टाइम है। और कौमी ताजरदार पाकिस्तान की पूरी टीम इनके साथ है। जब इन्होंने कोई अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हड़ताल की कॉल दी तो सबसे पहले लाहौर में कौमी ताजरदार ने इनकी हड़ताल पर लब्बैक कहा। सबसे पहले कौमी ताजरदार ने ऐलान किया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक आखिरी बात जो हमारे मोहतरम आदम सैयद रिजवी साहब, अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत में जगह अता फरमाए। जब उनका नमाज जनाजा हुआ तो हम जनाजे में भी शिरकत की। मैं उस दिन की बात बता रहा हूं, अगले दिन सुबह की बात है, फजर का टाइम था तो मैं सोया हुआ था। फजर के टाइम पर नमाज पर उठते हैं, लेकिन फजर से थोड़ी देर पहले खादम सैयद रिजवी साहब मेरी ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे पीछे से हाथ से उठाया, उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो, नमाज का टाइम है। नोट खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे सामने सरकार बैठे हैं, आदम सैयद रिजवी साहब। उन्होंने कहा कि आपने तहरीके लब्बैक के लिए इस जमात के लिए बहुत काम करने हैं, आपने इस जमात से इलेक्शन भी लड़ना है, आपने इस जमात के लिए काम करने हैं। मैंने कहा जी मैं हाजिर हूं। उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया है, आपको वसीयत कर दी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी थी, बहुत एक अच्छा था कि मेरी ख्वाब में खादम सैयद रिजवी साहब आए। इसी के साथ मैं जाता हूँ। क्या बात, क्या इदारे ख्याल के लिए कौमी ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अली हसन गुज्जर साहब।